मारुति की ओर से कमर्शियल सेगमेंट में नई एंट्री लेवल हैचबैक को लॉन्च किया गया है। इस हैचबैक को ऑल्टो के 10 पर आधारित रखा गया है। नई कार को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। कार में 1 लीटर का डुअल जेट VVT इंजन दिया गया है। इसके साथ ही इसमें CNG का विकल्प भी दिया गया है। पेट्रोल इंजन से कार को 49 किलोवाट की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। CNG में चलाने पर 41.7 किलोवाट की पावर और 82.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। कंपनी की ओर से एंट्री लेवल कमर्शियल हैचबैक को पेट्रोल और CNG वेरिएंट में लाया गया है। CNG में इस कार को 34.46 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और 1 लीटर पेट्रोल में ये कार 24.60 किलोमीटर तक चलती है। कार में 27 लीटर का पेट्रोल टैंक और 55 लीटर का CNG टैंक दिया गया है। मारुति की नई टूर H1 में डुअल एयरबैग्स, फ्रंट सीट बेल्ट के साथ प्री टेंशनर, फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन इमोबिलाइजर, ABS-CVD, स्पीड लिमिटिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मारुति की ओर से इसे 2 वेरिएंट में पेश किया गया है, जिनमें पहला वेरिएंट पेट्रोल और दूसरा वेरिएंट CNG के साथ मिलता है। पेट्रोल इंजन वाली टूर H1 की एक्स शोरूम कीमत 4,80,000 रुपये तय की गई है। वहीं CNG वाली टूर H1 को 5,70,000 रुपये की एक्स शोरूम की कीमत पर खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।